नगर निगम परिसर में मंगलवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि जनसंघ के संस्थापक व भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती के अवसर पर पार्षदों के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। साथ ही महापौर ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और एक विद्वान थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को लेकर हमेशा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नींव देश में पड़ी थी, उनकी आज 120वीं जयंती है। आज के दिन हम लोगों ने गोरखपुर नगर निगम के अंदर पार्षदों के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित किया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उन्होंने भारत की जनता को अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी है। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर देश का बंटवारा करेंगे। कलकत्ता को भी वो पाकिस्तान को सौंप देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की जनता के संघर्ष किया और उनका संघर्ष का परिणाम हुआ कि कलकत्ता आज भारत का हिस्सा है। साथ ही इनके नेतृत्व में, अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इन्होंने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और एक विद्वान थे। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में रहते हुए कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया और देखा कि कांग्रेस भारत की जनता के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, देश की एकता में बाधक है। उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और कश्मीर को बचाने की मुहिम इन्होंने चलाई। कश्मीर के बचाने के लिए उस समय जो कानून था बड़ा ही बेढंगा था। भारत सरकार के परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता था। इस मिथक को तोड़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मित्र साथियों के साथ, राजनेताओं के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वहाँ पर गए और उस कानून को तोड़ा। वहाँ की फारूक सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में जाता देकर इन्हें मार डाला। इन्हें कश्मीर के बचाने में भारतीय जनता पार्टी ने शहीद का दर्जा दिया। आज कश्मीर में जो 370 धारा लगा करके भारत से अलग किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई
उनके एजेंडे में था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हटाएंगे। लंबी लड़ाई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आई है, अपने एजेंडे के अनुसार संसद में हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। आज कश्मीर पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ गया। वहाँ पर जो संविधान था वहाँ का अलग झंडा था, वहाँ का अलग प्रधान था, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। अन्य राज्यों की तरह कश्मीर में भी मोदी जी के नेतृत्व में विकास चल रहा है। जो भी आतंकवादी आते हैं वो सीधे पाकिस्तान फिर नहीं लौटते हैं, वो सीधे ऊपर जाते हैं। आज कश्मीर देश में विकास में ताल से तालमेल मिला करके आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत के अन्य राज्यों की तरह हमारा कश्मीर भी विकास की गति पर चलेगा। वहाँ जुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो लोग चाहते हैं अमन शांति हो। आज मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में वहाँ पूरी तरह से शांति है और हम भारतीयों को गर्व है कि मुखर्जी जी के चलाए हुए मुहिम को मोदी जी ने समाप्त किया है और उसको भारत को प्रतिष्ठा विश्व में दिलाई। कुछ हिस्सा अभी हमारे देश के अंदर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही पाकिस्तान वो हमारा हिस्सा खाली करेगा। आज के दिन हम लोग ऐसे प्रखर नेता, विद्वान और भारत की जनता को न्याय दिलाने वाले स्वामी प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं।